हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक के इस पावन महीने में श्री कृष्ण के श्री चरणों में एक प्रार्थना। दीप जलते रहे, जगमगाते रहे, हम आपको और आप हमें याद आते रहे। जब तक जिंदगी है, दुआ है हमारी, आप चांद की तरह जगमगाते रहे। मैं कान्हा जी के श्री चरणों में आपके घर के लिए सुख सौभाग्य के लिए शांति के लिए सभी उन्नति के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को कार्तिक के इस फलकारी पुण्यदाय महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज आपको इस वीडियो में कार्तिक महीने में कही सुने जाने वाली पोपा बाई की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। जो भी कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक व्रत करते हैं, उन्हें ये कहानी जरूर कहनी सुननी चाहिए। शुरू करते हैं। किसी गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम था पोपा बाई। वो भगवान की बहुत सच्ची भक्त थी। वो बहुत ज्यादा नियमों से व्रत पूजा पाठ करती। कार्तिक व्रत करना, स्नान करना, एकादशी व्रत, माघ शीश मास का व्रत, वैशाख महीने का पुरुषोत्तम मास का व्रत नियम वो बहुत श्रद्धा और नियम के साथ करती। रोज में भी वो भगवान विष्णु की पूजा सेवा करती थी और बहुत नियम से, प्रेम से, भाव से उन्हें मनाती, उन्हें रिझाती रहती। उसने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। आसपास के जितने इलाके थे, वहां जब भी कभी कोई सत्संग पाठ, भजन कीर्तन, भागवत कथा का पाठ वगैरह कुछ भी होता था, तो उसमें पोपा बाई जरूर जाती थी। उसके माता पिता का देहांत बहुत समय पहले, जब वो छोटी थी तभी हो गया था। उसका एक बड़ा भाई था और वो उसी के साथ रहती थी। जो उसका भाई था, उसकी शादी हो गई थी, बच्चे भी थे, भरा पूरा परिवार था। पर जो उसका भाई था ना, वो दिन रात पोपा बाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। अब परेशानी क्या होती थी, जब भी कोई रिश्ता आता था तब पोपा बाई उसे मना कर देती थी। अब भाई इस बात से बहुत परेशान भी था, चिंता में भी था और गुस्से में भी था। भाई को लगता था कि ये सब पूजा पाठ की वजह से हो रहा है, कि बहन इतनी ज्यादा पूजा पाठ करती है इसलिए उसे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन भाई ने पोपा बाई से बोला कि वो किसी भी तरह का कोई भी पूजा पाठ का कार्य आगे से नहीं करेगी। अब ये सुनकर तो पोपा बाई को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उसने उस दिन अपने भाई और भाभी से ये कहा कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है और अब मैं आपके साथ रह भी नहीं सकती, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वो अपने गाय और बछड़े मेरे पास जंगल में घास फूस चढ़ने के लिए भेज दे, मैं उन सबका ध्यान रखूंगी और फिर अगर वो जो भी चाहे वो मुझे अपने घर का बचा कुचा खाना दे सकते हैं। अब भाई ने, भाभी ने उसे समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की, पर पोपा बाई पूरी तरह से मन क्रम वचन से भगवान को समर्पित हो चुकी थी। उसने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के शरणागत कर दिया था। अब वो अकेली गांव के बाहर झोपड़े में रहती। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवान की सेवा पूजा में बिताने लगे, क्योंकि उसके पास और तो कुछ होता ही नहीं था। वो पूरा दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन में लगी रहती थी। उनके नियम सेवा और ज्यादा पक्के हो चुके थे। अब एक दिन क्या हुआ, जो उस राज्य का राजा था वो शिकार खेलने के लिए जंगल में आया और उसने देखा कि गांव के बाहर जंगल के पास एक झोपड़ी बनी हुई है, तो वो उस झोपड़ी को देखकर रुक गया। राजा को प्यास लगी थी, इसलिए उसने झोपड़ी में पानी पीने के लिए सोचा और वो झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने जोर जोर से आवाज लगाई, अंदर कौन है, ये झोपड़ी किसकी है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। अब राजा को प्यास भी लगी थी और थोड़ी सी उत्सुकता भी हो रही थी कि झोपड़ी में रहता कौन है, इसलिए वो लगातार दरवाजा खटखटाता जा रहा था। तब पोपा बाई उठी और अंदर से ही बोली, कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो। अब राजा ने जब पोपा बाई की आवाज सुनी तो वैसी मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा कि जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो खुद कितनी सुंदर होगी। पाप और काम वासना ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूं और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं।
अब तोपाबाई ने अंदर से ही कहा कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती हूँ, मैंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर रखा है और मैं यहाँ उनकी पूजा पाठ करती हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर राजा का जो पापी मन था वो काम वासना से और ज्यादा पीड़ित हो गया, क्योंकि उसको पोपाबाई की आवाज बहुत मधुर बड़ी प्यारी लग रही थी। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया और उसे उठाकर अपने महल में ले गया। जब वो जबरदस्ती पोपाबाई को ले गया तो पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। अब महल में आने पर राजा की जो और रानियां थी उन्हें जब ये सारी बात पता चली तो वो राजा के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि भाई इसे वापस छोड़ाओ, ये तो बहुत गलत है और इन्होंने श्राप दिया है और ये बड़ी साध्वी है, बहुत पूजा पाठ करती है। अब रानियों की बात सुनकर राजा को थोड़ा सा डर लग गया और उसको अपनी भूल का एहसास भी हो गया। राजा को यही लगा कि अगर एकदम मेरा राज्यपाल नष्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अब राजा पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने के लिए जाने लगा तो रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूबकर मर गया। उस समय पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पर पुरुष ने उनको हाथ लगाकर उनका जो सतीत्व था वो नष्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए पोपाबाई ने वही अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। उनके अंदर इतनी ज्यादा सत्य था कि उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु ले ली। अब पोपाबाई धर्मराज के जो राज्य था वहां पहुंची। धर्मराज जी ने उनका बहुत आदर मान सत्कार किया और कहा कि आपको बैकुंठ वास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार अपने समय पर आपकी मृत्यु नहीं हुई है जो ब्रह्मा जी ने लिखी थी, आपने अपनी इच्छा से जो आपके पूजा पाठ का प्रभाव था उस शक्ति से अपने प्राणों का त्याग किया है, पर भगवान विष्णु की आप इतनी ज्यादा भक्त होना कि भगवान ने आपके लिए आज्ञा दी है और आपको स्वर्ग का राज मिला है। कार्तिक महीना आपकी भक्ति का महीना होगा, कार्तिक स्नान करने वाले भक्त आपको याद करेंगे, आपकी कहानी कहेंगे सुनेंगे, तभी उनका कार्तिक व्रत कार्तिक स्नान पूरा होगा। अब उसके बाद पोपाबाई ने पूछा कि भाई इस राजा का क्या हुआ, तो धर्मराज ने बोला कि उस राजा को भयंकर दंड मिला है और वो नरकवासी हुआ है। अब पोपाबाई वहीं स्वर्ग में रहने लगी। कुछ समय के बाद एक सेठ और सेठानी की मृत्यु हुई, दोनों बहुत पुण्य आत्मा थी। वो धरती से स्वर्गलोक आए तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार बंद है। अब धर्मराज जी से वो बोलने लगे कि भाई द्वार खोलो। अब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहने लगे कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। तो धर्मराज ने उन दोनों की बात सुनकर उन्हें पोपाबाई के वृतांत के बारे में सुनाया और बताया कि उन्हें क्या वरदान मिला हुआ, साथ ही कहा कि तुम लोग पुण्य आत्मा हो और तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार बंद है जो ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति से 7 दिनों का समय मृत्यु लोक में दे रहा हूं। तुम दोनों वापस मृत्यु लोक में जाओ और वहां कार्तिक के इस पावन महीने में पोपाबाई का नाम लो, उनकी कथा सुनो, साथ ही 8 खोपर राई से भरकर 5 कपड़े के साथ कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, वो लेखा लेगी राई राई का। अब दोनों सेठ सेठानी बात समझ गए और वापस धरती पर आ गए। धर्मराज के कहे अनुसार उन्होंने वैसा ही किया, 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनी। 7वें दिन वो उद्यापन करके वापस स्वर्ग गए तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए थे। हे पोपाबाई, जैसे सेठ सेठानी के लिए स्वर्ग के द्वार खोले, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भट्टे सबके लिए खोलना। बोलो पोपाबाई की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। दियो की रोशनी से छिलमिलाता आंगन हो, पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो, ऐसे आए झूम के ये दिवाली, हर तरफ खुशियों का मौसम ही मौसम हो। कार्तिक के इस पावन महीने में मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। अगर कार्तिक महीने की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।